नमस्कार, मेरा नाम है उदित बरसले और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर बात करते हैं जो सीधे आपसे वास्ता रखते हैं। कोरोना महामारी के दौरान सावधानी के रूप में बार बार कहा जा रहा था कि मास्क पहने, दूसरों से दूरी बनाए रखें और वैक्सीन लगवाएं। मास्क पहनने और डिस्टेंस मेंटेन के परिणाम हम सब देख चुके हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच कई तरह की अफवाहें हैं, कई तरह की आशंकाएं हैं। कहा जा रहा है कि वैक्सीन नपुंसक बना देगी, वैक्सीन बीमार कर देगी और इस तरह कई सारी और अफवाहें फैल रही हैं। लेकिन अब वैक्सीन को लेकर सभी तरह के डाउट्स आप अपने मन से निकाल दीजिए। किसी भी तरह की आशंकाओं को मन में मत रखिए, क्योंकि वैक्सीन कोरोना से बचाने में कितनी कारगर है, इसे एम्स की एक रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की स्टडी के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोग जो अप्रैल और मई में फिर से पॉजिटिव हुए, उनमें से किसी की भी जान नहीं गई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में संक्रमणों के पहले जीनोमिक अनुक्रम अध्ययन में बात सामने आई है। अब आपको एक अमेरिकी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। अमेरिकी हेल्थ एजेंसीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने कहा है कि सरल शब्दों में अगर कोई दोनों डोज लगवाने के बाद संक्रमित होता है तो फिर उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। उन्होंने कहा है वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती होने वाले या फिर उससे मरने वालों की संख्या काफी कम होती है। इसी तरह दिल्ली स्थित एम्स द्वारा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर पहली बार स्टडी की गई है। इसमें पाया गया है कि अप्रैल में की दूसरी लहर काफी खतरनाक होने के बाद भी संक्रमित होने वाले उन लोगों की जान नहीं गई है जिन्होंने वैक्सीनेशन के डोज लगवा लिए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता। हाँ, कोरोना हो सकता है, लेकिन ये जानलेवा साबित नहीं होगा। कोरोना होता भी है तो वैक्सीन आपको गंभीर हालत में जाने से बचा लेगी। अब वैक्सीन से जुड़ी एक और खबर पर बात करते हैं। देश के तमाम जानकार और डॉक्टर ये बात कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन को बच्चों को लगाया जा सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि मॉडर्ना और फाइजर को क्षतिपूर्ति सुरक्षा देने से न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों के लिए भी COVID-19 टीकाकरण को बढ़ावा मिलेगा। CNN न्यूज 18 से बातचीत में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि पहले भी ऐसा किया गया है जब सरकार ने उन सभी टीकों को आपातकालीन मंजूरी दी थी जिन्हें US, UK या यूरोपियन संघ और WHO की एजेंसियों द्वारा मंजूरी दी गई। उसके आधार पर इन एजेंसियों से मंजूरी के साथ टीकों के लिए आपातकालीन मंजूरी पहले ही वास्तविक रूप से दी जा चुकी है और क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी हल हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास जल्द ही बच्चों और वयस्कों के लिए फाइजर वैक्सीन आने वाली है। आपको बता दें, ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को ड्रग रेगुलेटरी ने मंजूरी दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए फाइजर की भूमिका अहम होगी, क्योंकि कई डेटा के विश्लेषणों और वैज्ञानिक शोधों से यह आशंका जाहिर की गई है कि तीसरी लहर में बच्चे कोरोना से ज्यादा टारगेट हो सकते हैं। यही वजह है कि अब तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। अब आखिर में आपको यह भी बता देते हैं कि देश में 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की ट्रायल की जा रही है। हिंदुस्तान फोकस में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।